हेलो डी स्टूडेंट, गुड इवनिंग डी स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है शुड। डी स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपके लिए मे, माइट, मस्ट ये तीनों विस्तार समझा दिए हैं। यदि आपको इनको बारीक रूप से समझना है तो इन तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए शुड, डी स्टूडेंट्स इसका जो पहचान होता है हिंदी में शुड का होता चाहिए। डी स्टूडेंट्स चलिए इनके वन बाई वन करके सारे रूल समझ लेते हैं, वो भी विद एग्जांपल और विद स्ट्रक्चर। तो देखिए फर्स्ट रूल आपके सामने लिखा हुआ है, शुड का प्रयोग कर्तव्य यानी ड्यूटी या नैतिक दायित्व यानी मोरल ओब्लिगेशन का बोध कराने के लिए आपको शुड का यूज करना है। स्टूडेंट्स चलिए इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको लगाना सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलिए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, हमें सत्य बोलना चाहिए। स्टूडेंट्स हमें सत्य बोलना चाहिए यानी ये मोरल ओब्लिगेशन शो कर रहा है यानी नैतिक दायित्व बता रहा है, मोरलिटी बता रहा है। तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, शुड। तो इसका सेंटेंस होगा वी शुड स्पीक द ट्रुथ। क्लियर। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, मुझे घूमने जाना चाहिए। तो इसका सेंटेंस होगा आई शुड गो फॉर अ वॉक। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे शुड का सेकंड यूज देखिए, शुड का प्रयोग एडवाइस यानी सलाह देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो इसका सेंटेंस होगा यू शुड वर्क हार्ड। स्टूडेंट्स ये एडवाइस शो कर रहा है, सलाह शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शुड का यूज हुआ है। क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखिए, तुमको पूरा आराम करना चाहिए। तो इसका सेंटेंस होगा यू शुड टेक कंप्लीट रेस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे रूल नंबर थर्ड देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में LEST लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स यूज ऑफ लेस्ट ये मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में करा दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर है यूज ऑफ लेस्ट, बारीक से समझाया विद एग्जांपल, वहाँ जाकर आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए लेस्ट यानी लेस्ट का यूज करते समय जब शुड का यूज करते हैं वो किस तरह से करते हैं, इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो इसका सेंटेंस होगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कहने का मतलब है जब आप लेस्ट का यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में तो उसके साथ जो मॉडल वर्ब का यूज करेंगे वो हमेशा शुड का यूज होगा। वुड नॉट, वुड, कुड, कैन, इन का यूज नहीं होता है, केवल शुड का यूज होता है, ये आपको माइंड में सेट कर लेना है लेस के साथ हमेशा। क्लियर। चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बस छूट जाए। तो इसका सेंटेंस होगा मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको शुड के तीन यूज करा दिए, आगे रूल नंबर फोर्थ है यानी चौथा यूज है। देखिए शुड का प्रयोग पैसिव वॉइस के रूप में भी होता है। चलिए इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। डी स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो डी स्टूडेंट्स का सेंटेंस होगा द थीफ शुड बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। क्लियर। चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, पुलिस द्वारा जुर्म को रोका जाना चाहिए। तो डी स्टूडेंट इसका सेंटेंस होगा क्राइम शुड बी स्टॉप्ड बाय द पुलिस। क्लियर। चलिए थर्ड एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, कार्य किया जाना चाहिए। तो इसका सेंटेंस होगा वर्क शुड बी डन। ये क्लियर। तो चलिए आगे रूल नंबर फिफ्थ देखिए, शुड बी। स्टूडेंट्स शुड बी का प्रयोग नाउन और एडजेक्टिव दोनों के लिए करते हैं, यानी कहने का मतलब है जब सेंटेंस में वर्ब नहीं दी जाएगी,
केवल नाउन या एडजेक्टिव दिया जाएगा तो उस कंडीशन में आपको शुड बी का यूज करना है। स्टूडेंट्स चलिए इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लाना सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स। स्टूडेंट्स चलिए इस स्ट्रक्चर के आधार पर इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमें ईमानदार होना चाहिए, तो इसका सेंटेंस होगा वी शुड बी ऑनेस्ट। ये एडजेक्टिव हो गया ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है शुड बी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, तो इसका सेंटेंस होगा वी शुड बी गुड सिटीजन। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे रूल नंबर 6 देखिए शुड हैव। स्टूडेंट्स इसका हिंदी में होगा यहाँ पर चाहिए था, चाहिए थी या चाहिए थे। चलिए आगे इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है उसे सच बोलना चाहिए था, तो इसका सेंटेंस होगा ही शुड हैव स्पोकन द ट्रुथ। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, तो इसका सेंटेंस होगा यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे रूल नंबर 7 देखिए शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का प्रयोग स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस के रूप में भी होता है। चलिए इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना है ऑब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। स्टूडेंट्स चलिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है चोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, तो इसका सेंटेंस होगा द थीफ शुड हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए ये लिखा हुआ है इसे शुरू किया जाना चाहिए था, तो इसका सेंटेंस होगा इट शुड हैव बीन स्टार्टेड। ये क्लियर हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अभी इस टॉपिक को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स इस टॉपिक का लाभ उठा पाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। स्टूडेंट्स चलिए मिलता हूँ और इस तरह के और भी टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।